हिमाचल की सुक्खू सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक में करीब 93 पदों पर नौकरी का मौका मिला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आयुर्वेदिक विभाग में फार्मेसी ऑफिसर के 15 पद बैचवाइज आधार पर भरने को मंजूरी मिली है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के 9 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश के सभी 11 सिविल एवं सत्र मंडलों के साथ साथ नालागढ़, सरकाघाट, सुंदरनगर और घुमारवी अनुमंडलों में वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर्स के लिए विभिन्न श्रेणियों के 45 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी और रेडियोथेरेपी विभाग में सहायक प्राध्यापक के एक एक पद भरने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने सीधी भर्ती के जरिए सिविल जजों के 10 पदों को भरने को भी मंजूरी दी है। बैठक में हेलीकॉप्टर लीज पर लेने को लेकर भी चर्चा हुई। हिमाचल में हेलीकॉप्टर की लीज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। फैसला लिया गया कि बड़े और छोटे हेलीकॉप्टर के ऑप्शन पर विचार किया जाएगा, जो सही रहेगी उसे अपनाया जाएगा।